कल से शुरू होगा संसद का मॉनसून सत्र। सर्वदलीय बैठक में राजनाथ सिंह ने विपक्ष से सदन को सुचारू रूप से चलाने की अपील की। मणिपुर हिंसा समेत सभी मुद्दों पर चर्चा को तैयार सरकार, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान। मणिपुर और बढ़ती महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरेगी कांग्रेस, जयराम रमेश का बयान। केंद्र के दिल्ली अध्यादेश का विरोध करेगी कांग्रेस, जयराम रमेश बोले ये निर्वाचित सरकार के संवैधानिक अधिकार को कम करता है। मणिपुर हिंसा पर संसद में बयान दे प्रधानमंत्री मोदी, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी की मांग। महाराष्ट्र विधानसभा में वंदे मातरम विवाद पर सपा विधायक अबू आजमी का बयान, बोलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। AIMIM विधायक मुफ्ती इस्माइल ने भी वंदे मातरम बोलने से किया इनकार, कहा देश के लिए जान दे सकता हूं पर धर्म नहीं छोड़ सकता। महाराष्ट्र विधानसभा में वंदे मातरम न बोलने पर बीजेपी का विपक्ष पर हमला, पूछा क्या ये इंडिया का विचार है। नाराजगी की अटकलों पर सीएम नीतीश ने किया खारिज, कहा विपक्ष मीटिंग में सारी बातें मानी गई, हम सब साथ हैं। विपक्ष में पीएम फेस पर टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय बोली, हम चाहते हैं ममता बनर्जी हो प्रधानमंत्री फेस। राघव चड्ढा ने पीएम फेस पर सीएम केजरीवाल की दावेदारी ठोकी, कहा मैं उन्हें देश की कमान संभालते हुए देखना चाहता हूं। इंडिया तय करेगा देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, संजय राउत का बयान। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले बीजेपी ने इंडिया नाम से कई योजनाएं शुरू की, अनावश्यक विवाद पैदा कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन पर प्रहलाद जोशी का तंज, ये नई बोतल में पुरानी शराब जैसा। 2024 चुनाव का सामना करेगा इंडिया, बीजेपी डर से कांप रही है, सीएम ममता बनर्जी का पलटवार। असम सीएम के बयान पर बोली सुप्रिया श्रीनेत, पूछा बीजेपी अपना हैंडल बीजेपी फॉर इंडिया कब बदल रही है। गठबंधन का नाम इंडिया रखने पर दिल्ली के बाराखंबा थाने में शिकायत, महाराष्ट्र में बीजेपी ने चुनाव आयोग से की कंप्लेन। महागठबंधन का हिस्सा नहीं बनाने पर पप्पू यादव नाराज, कहा मुझे और ओवैसी को गठबंधन में शामिल करना चाहिए। मायावती ने एनडीए और इंडिया से बनाई दूरी, बोली बीएसपी अपने बूते पर लड़ेगी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव। आज राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई एनडीए की मीटिंग, शिंदे गुट ने जल्द यूसीसी लाने की मांग की। मणिपुर में हिंसा प्रभावित लोगों से मिला टीएमसी डेलीगेशन, प्रतिनिधियों में डेरेक ओब्रायन समेत 5 सदस्य शामिल। उद्धव ठाकरे ने डिप्टी सीएम अजित पवार से की मुलाकात, राज्य के लिए अच्छा काम करने की अपील की। आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र के गवर्नर को लिखा खत, स्ट्रीट फर्नीचर घोटाले पर अपनी मांगे रखी। दिल्ली एलजी और सीएम केजरीवाल में हुई बैठक, डीईआरसी के चेयरमैन के नाम को लेकर हुई चर्चा। विपक्षी दलों की बैठक में आईएएस अफसरों की तैनाती पर बवाल, बीजेपी का कर्नाटक सरकार पर सत्ता का दुरुपयोग का आरोप। कर्नाटक विधानसभा से बीजेपी के 10 विधायक सस्पेंड, अशोभनीय आचरण करने पर कार्रवाई। उत्तराखंड के नमामि गंगे प्रोजेक्ट में करंट, 16 लोगों की मौत, कई झुलसे। चमोली घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश, सीएम पुष्कर धामी बोले दोषियों के खिलाफ होगी कठोर कार्रवाई। गृहमंत्री अमित शाह ने चमोली हादसे पर लिया अपडेट, सीएम धामी से की बात। आरपीएफ के नए डीजी बनाए गए आईपीएस मनोज यादव, आईपीएस सैफी हसन रिजवी एनडीएमए के सलाहकार नियुक्त। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु महेश्वरी हटाई गई, कानपुर मंडलायुक्त लोकेश एम बने नोएडा सीईओ। बंगाल टीचर भर्ती घोटाला मामला, पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी पर चलेगा सीबीआई का मुकदमा। तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से राहत, नियमित जमानत पर रिहा किया। एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वांगखेड़े पर लगे भ्रष्टाचार का मामला, सीबीआई ने मॉडल मुनमुन धमेचा को भेजा समन। बेंगलुरु में ब्लास्ट की साजिश रच रहे 5 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। आतंकी मॉड्यूल खुलासे पर पूर्व सीएम बसवराज की मांग, एनआईए से कराई जाए जांच। बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर का खुलासा, आतंकी गैंग का सरगना जुनैद विदेश में है, उसी ने पहुंचाए थे हथियार। पुणे में भी 5-5 लाख के 2 इनामी संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, एमपी के एक केस में एनआईए को थी तलाश। जम्मू कश्मीर के मचल सेक्टर में 2 पाकिस्तानी आतंकी ढेर, भारी मात्रा में हथियार बरामद। पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर को डिपोर्ट करने की तैयारी,
एसडीसी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार का बयान। सीमा हैदर के जासूस होने का एटीएस को अब तक कोई सबूत नहीं मिला, अभी प्रेम प्रसंग का ही लग रहा है मामला। बारिश के कारण मुंबई से गुजरात जाने वाले हाईवे पर भरा पानी, घंटों जाम में फंसे रहे लोग। रायगढ़ की रयासनी पुलिस स्टेशन में जलभराव, टेबल कुर्सी पानी में डूबे। थाने के अमरनाथ में बारिश से जलभराव, प्राचीन शिव मंदिर और रेलवे ट्रैक पर पानी भरा। सतारा के महाबलेश्वर घाटी में फिर लैंडस्लाइड, कोंकण जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक ठप। रत्नागिरी में उफान पर जुगबुड़ी और नारंगी नदियां, गढ़चिरौली में कल भी स्कूल और कॉलेज बंद। महाराष्ट्र में बारिश बाढ़ पर सीएम शिंदे की नजर, कहा एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को दिए गए निर्देश। गुजरात के गिर सोमनाथ में उफान पर हिरण नदी, सड़क पर दिखाई दिए मगरमच्छ। वलसाड़ में भारी बारिश से बिगड़े हालात, हाउसिंग सोसाइटी में घुटनों तक पानी भरा। पिथौरागढ़ में काला पट्टा में बादल फटा, बीआरओ का पुल और सड़क क्षतिग्रस्त। चंबा के सलूनी में बादल फटने से मची तबाही, सेरी पंचायत में बही कई गाड़ियां। चंबा के सरोल में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, भूस्खलन से सड़क पर गिरा मलबा। धारचूला के लिपुलेख में सीमा से करीब फटा बादल, नाचली घाले में पुल बहा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बाढ़ और भूस्खलन से 8 की मौत, कई लोगों का रेस्क्यू। वैष्णो देवी गुफा मंदिर का नया रास्ता बंद, रियासी में हेलीकॉप्टर सेवा भी रोकी गई। राजौरी में जम्मू पंच राजमार्ग पर यातायात को रोका गया। राजौरी के दलगोरा में हाईवे पर आया पानी, बहाव में एक ट्रक अनियंत्रित होकर हुआ हादसे का शिकार। असम की दिसांग और दिसोऊ नदियों में उफन, शिवसागर इलाके में आई बाढ़। आगरा में यमुना का जलस्तर बढ़ा, ताजमहल की दीवार तक पहुंचा पानी। मुरादाबाद की रामगंगा नदी में छलांग लगाने वालों पर एक्शन, जलस्तर बढ़ने पर नजदीक न जाने की दी थी हिदायत। एमपी के निमाड़ी में बेतवा नदी उफान पर, नहाने के दौरान बहे 3 युवक एसडीआरएफ ने बचाया। पटना लाठीचार्ज में बीजेपी वर्कर की मौत का मामला, बीजेपी की जांच कमेटी ने जेपी नड्डा को सौंपी रिपोर्ट। ममता बनर्जी कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल पहुंची, पंचायत चुनाव के हिंसा पीड़ितों से की मुलाकात। बंगाल पंचायत चुनाव में हिंसा के खिलाफ कोलकाता में बीजेपी का प्रदर्शन, प्रदेश अध्यक्ष सुकांत रहे मौजूद। सुकांत मजुमदार का ममता बनर्जी पर आरोप, जानबूझकर हिंसा करा रही हैं ताकि बीजेपी कार्यकर्ता डर कर बाहर ना निकले। हावड़ा पहुंची बीजेपी की महिला सांसदों की टीम, हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ितों से की मुलाकात। एमपी के सिवनी में सीएम शिवराज ने एक बुजुर्ग आदिवासी महिला को गले लगाया, कहा अम्मा का पक्का घर बनेगा। उज्जैन में महाकाल के भक्तों पर थूकने का मामला, तीनों आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर। जोधपुर में घर के आंगन में ही एक परिवार के 4 लोगों को जलाया, आपसी रंजिश में खौफनाक वारदात। जोधपुर हत्या पर आगजनी केस पर भड़की बीजेपी, राजस्थान बीजेपी चीफ बोले प्रदेश में कानून व्यवस्था फेल। जोधपुर की घटना के दोषियों को मिलेगी सजा, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास बोले सरकार कानून ला रही है। शिमला के मॉल रोड पर एक रेस्टोरेंट में धमाका, डीजीपी संजय कुंडू बोले मामला बेहद गंभीर, एसआईटी करेगी जांच। कर्नाटक में जैन मुनि हत्या मामले की जांच करेगी सीआईडी, सीएम सिद्धारमैया ने विधानसभा में किया ऐलान। मेरठ में मंदिर का पुजारी बनकर रह रहा गुल्लू खान गिरफ्तार, पुलिस ने केस किया दर्ज। यूपी के मुजफ्फरनगर में मोबाइल चोर गैंग का पर्दाफाश, 5 गिरफ्तार, कावड़ियों के भेष में करते थे चोरी। गाजियाबाद में सड़क पर बैठे शख्स को कार ने मारी टक्कर, काफी दूर तक घसीटा, आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में ड्रग तस्करी, रजा हैदर पर एनआईए का एक्शन, लाखों की संपत्ति कुर्क। यूपी के बुलंदशहर में छत के गिरने से हादसा, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और अपराधियों में मुठभेड़, हत्या के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के द्वारका में लेडी पायलट और उसका पति गिरफ्तार, घर में काम करने वाली नाबालिग बच्ची को पीटने का आरोप। दिल्ली के मंगोलपुरी में महिला और उसके बेटे को डंडे से पीटा, स्टॉल मालिक पर आरोप। दिल्ली के जाफराबाद मर्डर केस में आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने पिता और उसके नाबालिग बेटे को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 100 फीट ऊंचे वाटरफॉल से कूदी लड़की, मछुआरों ने बचाई जान।
हैदराबाद एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग का एक्शन, दो अलग अलग मामलों में 1 करोड़ से ज्यादा का सोना जब्त। जम्मू कश्मीर के गांधरबल में फिजिकल एजुकेशन कॉलेज में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। वर्धा में महात्मा गांधी के अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में घुसा तेंदुआ, वन विभाग ने किया ट्रैंकुलाइज। विदेशी यात्रियों के लिए कोविड गाइडलाइंस में ढील, 2% रैंडम आरटीपीसीआर टेस्ट की अनिवार्यता खत्म। यूक्रेन के ओडिशा पर रूस का जबरदस्त हवाई हमला, अनाज और तेल टर्मिनलों को नुकसान के आरोप। ब्रिक्स समिट में शामिल नहीं होंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन, रूसी विदेश मंत्री करेंगे प्रतिनिधित्व। इस्लामाबाद में बारिश से एक इमारत की दीवार गिरी, 11 मजदूरों की मौत। यूएनजीए में भारत की राजदूत का बयान, यूक्रेन युद्ध से भारत चिंतित। अमेरिकी पनडुब्बी के साउथ कोरिया पहुंचने पर भड़के किम जोंग, 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागी। दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया को दी चेतावनी, राष्ट्रपति यू सुक बोले परमाणु खतरों का देंगे जवाब। वैश्विक मंदी के दौर में कई कदम उठाकर आगे निकला भारत, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बग्गा का बयान। टाटा समूह ब्रिटेन में लगाएगा ईवी बैटरी का प्लांट, 4 अरब पाउंड से अधिक का करेगा निवेश। यूएस डॉलर के मुकाबले 6 पैसे कमजोर हुआ रुपया, 1 डॉलर की कीमत 82.10 रुपए। शेयर बाजार में रिकॉर्ड तोड़ उछाल, सेंसेक्स पहली बार 67,000 के पार, निफ्टी ने भी सारे रिकॉर्ड किए ध्वस्त। विनेश फोगाट की एशियन गेम्स में सीधी एंट्री पर रेसलर अंतिम पंघाल का सवाल, कहां 1 साल से नहीं की प्रैक्टिस, किस आधार पर किया गया चयन। बजरंग पूनिया के सीधे सिलेक्शन पर भड़के रेसलर विशाल कालीरमन, कहा हम कोर्ट जाएंगे। भारतीय महिला टीम ने दूसरे वनडे मैच में बांग्लादेश को 108 रनों से हराया, 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।